बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों में जब कैरियाँ आती हैं तो कैरी का शरबत जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है सब लोगों का। तो आज हम कॉन्सेंट्रेटेड कैरी का शरबत बना रहे हैं, यानी कि गाढ़ा पल्प बना रहे हैं जो कि पानी में हल करके इसको सर्व किया जाता है। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। कैरी का कॉन्सेंट्रेटेड शरबत बनाने के लिए, यानी कि कैरी का पका हुआ गाढ़ा शरबत बनाने के लिए 1 किलो कैरियाँ ली हैं मैंने। इसमें मैंने सब्जी वाले से जब कैरी ली तो मैंने कोशिश करी कि 2 कैरियाँ मेरे पास ऐसी आएँ जो ऊपर से थोड़ी पीली पीली हों। तो ये 2 कैरियाँ जो हैं ये इस तरह की हैं जो पीली हैं, और 1 कैरी जो 1 किलो में आई बड़ी वो बिल्कुल हरी और कच्ची थी। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि इसके अंदर दोनों तरह की कैरी का जो जायका मिलके डेवलप होगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा। 1/2 किलो इसके अंदर चीनी जाएगी, साथ ही इसके अंदर जाएगा 1/4 कप सिरका, इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, और 1 टीस्पून भुना कूटा जीरा। लेकिन ये भुनने के बाद मैंने कूटा नहीं है बल्कि अच्छा खासा बारीक कर लिया है। एक पैन को मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर स्टोव पे रख दिया है, इसके अंदर हम कैरियां डाल देंगे और 1 किलो कैरियों में हम 1 कप पानी का डालेंगे। कवर बंद करेंगे इसका और मीडियम फ्लेम पे 7 से 10 मिनट हम इसे पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के अंदर ये 7 से 10 मिनट में एकदम गल के और बिल्कुल नरम हो जाएंगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए, कैरियाँ मैंने पका ली हैं अच्छे तरीके से, और ये देखिए ये बिल्कुल एकदम गूदे जैसी हो गई हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी है, बस ये पानी हमारे लिए काफ़ी है। स्टोव हम ऑफ कर देंगे, इसे 10-15 मिनट तक हम थोड़ा सा टेम्परेचर लो होने तक वेट करेंगे और फिर इसे जूसर में डाल के हम ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसे जूसर में डाल लिया है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम जूसर से कैरियों को निकालेंगे और एक छन्नी से छान लेंगे। तो कैरी की गुठली के जो छिलके हैं वो सारे एक तरफ आ गए और बिल्कुल प्योर पल्प जो है वो हमारे पास आ गया। नीचे से भी तमाम का तमाम पल्प आ गया इसके अंदर। पल्प को वापस हम उसी पतीली में पलट लेंगे और हमने बिल्कुल थोड़े से 2-3 टेबलस्पून पानी से उसके जग को भी साफ कर लिया था और छान लिया था। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले चीनी के साथ मिला के डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें 1/2 किलो चीनी चली जाएगी, नमक, काला नमक, भुना कुटा जीरा। अब हम इस पल्प को इतना पकाएंगे कि ये एकदम गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसमें इसको गाढ़ा होने में। 10 मिनट और गुजर गए इसको पकाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर, और ये देखिए चीनी बिल्कुल घुल गई है और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं कीजिएगा वरना ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि जब आप इसे चमचे से मिलाएंगे पानी के अंदर तो ये मिलेगा नहीं। इसलिए बेहतर ये कि इसको इतना गाढ़ा रखा जाए। तो मैं स्टोव ऑफ कर रही हूँ इसका, और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। इसमें हम डाल देंगे सिरका, मिक्स करेंगे इसे अच्छे तरीके से, और आप इसकी कंसिस्टेंसी इस वक्त देख सकते हैं बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। ऐसा ही आपने रखना है इसे। तो 1/2 घंटा गुजर गया, मेरे पास एक ये ग्लास जार है, इसको मैंने धो के और बिल्कुल साफ किया हुआ है, सूखा हुआ जार है। इसके अंदर मैं ये कॉन्सेंट्रेटेड कैरी का शरबत जो है ये मैं डाल दूंगी। तो ये मैंने बर्नी में भर लिया है, बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर पे है। गरम गरम मत भरिएगा वरना इसके अंदर बाद में भाप आ जाएगी और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये हम इस तरीके से बंद करके रख देंगे।
तो हमारा मज़ेदार कॉन्सेंट्रेटेड कैरी का शरबत बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बना है। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ हैं। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।